जय माता दी। सपनों के सच में आपका स्वागत है। माता रानी की दया दृष्टि सभी पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे सपने में प्याज देखना कैसा होता है। सपने में प्याज देखना, अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो सपने में प्याज देखना बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है, अगर आप सपने में प्याज देखते हो या बहुत सारी प्याज देखते हो, रखी हुई प्याज देखते हो, या आप खरीद के लेके आए हो प्याज, या कोई आपके घर लेके आया, या आपने घर में बहुत सारी या कहीं भी आपने बहुत सारी प्याज रखी हुई देखी है, तो ये सपना बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि आने वाले समय में आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और आपके जीवन में खुशी की ओर भी संकेत करता है ये सपना। और अगर आप सपने में हरी प्याज देखते हो या कोई भी मतलब जैसे हरी प्याज लेके आए हो, तो ये सपना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपको कहीं से भी धन लाभ हो सकता है और आपके जीवन में सफलता की ओर इशारा करता है। और इसके अलावा अगर आप सपने में देखते हो कि आप मतलब प्याज है बहुत सारी मतलब बिखरी पड़ी है सारे में प्याज, तो और आप उन्हें इकट्ठी कर रहे हो मतलब कि एक एक करके, या बहुत सारी जैसे प्याज बिखरी हुई है उन्हें इकट्ठी कर रहे हो हाथों से, तो ये सपना बहुत ही अच्छा होता है। इसका अर्थ यह होता है कि आने वाले समय में आपके जो भी सपने थे, जो भी अभिलाषाएं थी, वह बहुत जल्दी पूरे हो जाएगी। और अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बात करें, तो यदि आप सपने में प्याज देखते हो, तो ये सपना कहीं ना कहीं आपको मतलब कि आपकी भावनाओं की ओर यह संकेत करता है कि वास्तविक जिंदगी में कि आप किसी बात को लेकर, या कोई भी बात हो सकती है, किसी बात को लेकर आपने जो निर्णय लेते हो ना, आप अधिकतर उन जो भी कुछ बात होती है आपके लिए, उन बातों को लेकर या कोई भी डिसीजन करते हो, तो उनमें बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो, या आपके हर बात हर तरह से ना आपके दो दो मतलब दो दो मन हो जाते हैं, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। और अगर आप सपने में देखते हो कि सपने में मतलब आप प्याज काट रहे हो और आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो ये सपना आपको मतलब कि कहीं ना कहीं आपको ये संकेत देता है कि आप अपनी वास्तविक जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, और अपना मतलब ये कह सकते हैं कि आप अपना दुख किसी को जल्दी से कह भी नहीं पा रहे हो, तो तब भी आपको इस तरह के सपने दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, तो यही है कि अगर आपको बार बार प्याज के सपने दिखाई देते हैं ना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बात करूं, तो आपके सपने ये तभी सच होते हैं। और कोई भी सपना कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, हम जब वास्तविक जिंदगी में जो मतलब कार्य करते हैं ना, वे भी हमारे सपने में आकर जुड़ जाते हैं, तो उनका हमारे जीवन पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम किसी चीज को अचानक मतलब जो हमारे ख्यालों में, हमारे ख्वाबों में कहीं से कहीं तक बिना, और अचानक हम उन्हें सपनों में देखें ना, तो उसका हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माता दी।